हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का हमारे चैनल पर। तो बहुत दिनों बाद फिर से वीडियो आ रहा है। तो हम लोग कर रहे थे यूपीएससी 2023 का पीआईक्यू। तो इसमें हम लोग 50 क्वेश्चन किए थे, तो आज हम उसके आगे करेंगे। तो देखिए यहाँ पर पुस्तक संख्या बी है, तो जो भी 2023 में एग्जाम दिया होगा उसको जो बी कॉपी मिला होगा वो यही इसी से ही होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं 50 क्वेश्चन के बाद 51 क्वेश्चन नंबर से। 51 नंबर क्वेश्चन है, होमगार्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। होमगार्ड को होमगार्ड अधिनियम और केंद्र सरकार के नियमों के अधीन समुत्थापित किया जाता है। और दूसरा कथन है, होमगार्ड की भूमिका आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने में पुलिस की सहायक बल के रूप में सेवा देने की है। और तीसरा कथन है, अंतरराष्ट्रीय सीमा तटीय क्षेत्रों में घुसपैठ रोकने के लिए कुछ राज्यों में सीमा विंग होमगार्ड बटालियनों समुस्थापित की गई है। तो बताना है कि इसमें से कौन से कथन सही है, यानी कितने कथन सही है। तो इसमें देखेंगे तो केवल दो कथन सही है। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा, केवल दो कथन। फिर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 52, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। यहाँ पे कृत्य है और यह कृत्य जिस अधिनियम के अधीन आता है। तो पहला कथन है, अनधिकृत रूप से पुलिस या सेना की वर्दी को पहनना, तो यह है शासकीय गुप्त बाल अधिनियम 1923। दूसरा कथन है, किसी पुलिस अधिकारी या सैनिक अधिकारी के ड्यूटी में तैनात होने के दौरान जानबूझकर उन्हें गुमराह करना या अन्यथा उनके साथ हस्तक्षेप करना, तो ये है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1857। उसके बाद है, बंदूक तोप से अनुष्ठान पर गोली गोला दागना जिससे अन्य लोगों की वैयक्तिक सुरक्षा के लिए जोखिम हो सकता है, तो ये है आयु संशोधन अधिनियम 2019। तो बताना है कि इसमें से कितने युग्म सम्मिलित हैं। तो अगर यहाँ पे देखेंगे कितने युग्म सम्मिलित हैं, तो ये हो जाएगा इसमें भी है केवल दो युग्म सम्मिलित है। ठीक है, ऑप्शन भी हो जाएगा केवल दो युग्म सम्मिलित है। उसके बाद है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। प्राय समाचारों में उल्लेखित होने वाले क्षेत्र और समाचारों में होने का कारण, मतलब क्यों ये उल्लेखित किए गए हैं और उसके क्या कारण है। तो उत्तरी कीवू और इटूरी, तो आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच युद्ध। उसके बाद नागोर्नो कारबाख, ये है मुंजाबिद में उपलब्ध। नागोर्नो कारबाख तो आर्मेनिया का था। और खेरसान और जेपोरिजिया, तो ये इजराइल और लेबनान के बीच विवाद था। तो इसमें पूछ रहा बता रहा कि कितने कथन सही हैं। तो ये हो जाएगा इसमें कोई भी कथन सही नहीं है, कोई ना कोई कुछ ना कुछ गलत दिया हुआ। जैसे कि ये नागोर्नो कारबाख ये आर्मेनिया का है। ठीक है, तो इसमें कोई भी कथन सही नहीं, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इजराइल ने कुछ अरब राज्यों के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए हैं। और दूसरा है, अरब शांति पहल सऊदी अरब की मध्यस्थता से इजराइल और अरब लीग के बीच हस्ताक्षरित हुआ है। तो उपरोक्त कथनों में कौन सा एक सही है। तो देखिए इसमें ऑप्शन है, एक कथन एक और कथन दो दोनों सही है, तथा कथन दो कथन एक की सही व्याख्या करता है। तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, एक कथन सही है किंतु दूसरा जो कथन है ये कथन गलत है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आएगा, ये इंग्लिश में है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 है, खेल पुरस्कारों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, तो किसी खिलाड़ी द्वारा पिछले 4 वर्षों की अवधि के दौरान सबसे शानदार और उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए। दूसरा है अर्जुन पुरस्कार, तो किसी खिलाड़ी द्वारा जीवन काल की उपलब्धियों के लिए। और तीसरा है द्रोणाचार्य पुरस्कार, तो ये उन प्रतिष्ठित प्रशिक्षकों को सम्मानित करने के लिए जिन्होंने सफलतापूर्वक खिलाड़ियों या टीमों को प्रशिक्षित किया है। और चौथा है राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार, तो ये खिलाड़ियों द्वारा रिटायर होने के बाद भी किए गए योगदान की सराहना करने के लिए है। तो उपयुक्त कथन में से कितने युग्म सम्मिलित हैं? तो इसमें हो जाएगा, इसमें भी है केवल दो युग्म सम्मिलित है, बाकी दो गलत है। फिर क्वेश्चन नंबर 56 देखेंगे, तो 44वें शतरंज ओलंपियाड 2022 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह पहली बार था जब शतरंज ओलंपियाड भारत में आयोजित किया गया। और दूसरा है, इसके अधिकृत सुबकर को तंबी नाम दिया गया था। और तीसरा है, ओपन सेक्शन में जीतने वाली टीम के लिए ट्रॉफी वेरा मंचिक कप होती है। और चौथा है, महिला विभाग सेक्शन में जीतने वाली टीम के लिए ट्रॉफी हेमिल्टन रसेल कप होती है। तो बताना है कि इसमें से कितने
कथन सही है, केवल एक, केवल दो, केवल तीन, ये सभी चारों। तो इसमें हो जाएगा, इसमें केवल दो कथन सही है, ऑप्शन बी हो जाएगा, केवल दो कथन। उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 57। निम्नलिखित युग्मों विचार कीजिए, समाचारों में उल्लेखित संघर्ष का क्षेत्र और जिस देश से अवस्थित है उसके लिए बताना है। देखिए ये है डोनबास सीरिया और काचिन, ये है इथोपिया और टिग्रे उत्तरी यमन। बताना है कितने युग्म सुमेलित इसमें है। तो ये हो जाएगा, इसमें कोई भी कथन सुमेलित नहीं है। देख रहे हैं बहुत सारे ऐसे हो रहे हैं जो कि केवल दो हैं या तो कोई भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 58 देखेंगे यहाँ पर, तो यह है हाल के वर्षों में चाड, गिनी, माली और सूडान ने निम्नलिखित में से किस एक कारण से अंतरराष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया जो इन सभी देशों से संबंधित है। तो यह है आपका सफल तख्ता पलट, ऑप्शन डी हो जाएगा, सफल तख्ता पलट किए हैं सभी ने। आवाज आ रही थी आपसे वो। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59। निम्नलिखित भारी उद्योगों पर विचार कीजिए, उर्वरक संयंत्र, तेल शोधक कारखाने, इस्पात संयंत्र। तो उपयुक्त में से कितने उद्योगों के विकार्बन ने में हरित हाइड्रोजन की महत्वपूर्ण भूमिका होने की अपेक्षा है। तो इसमें हो जाएगा आपका केवल सभी तीन कथन सही है, तीनों के तीनों कथन सही है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 60। तो G20 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, G20 समूह की मूल रूप से स्थापना वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों द्वारा अंतरराष्ट्रीय आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा के मंच के रूप में की गई थी। और दूसरा है डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा भारत की G20 प्राथमिकताओं में से एक है, कौन सा कथन सही है। तो ये हो जाएगा आपका, दोनों कथन सही है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61। भारतीय इतिहास के संदर्भ में अलेक्जेंडर री एच लांगहर्स्ट, रॉबर्ट स्वेल और जेम्स बर्गेस्ट और वाल्टर इलियट किस गतिविधि से जुड़े थे। देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिया है, पुरातात्विक उत्खनन, या तो औपनिवेशिक भारत में अंग्रेजी प्रेस की स्थापना, या देशी रजवाड़ों में गिरजाघरों की स्थापना, या औपनिवेशिक भारत में रेल का निर्माण। तो ये हो जाएगा आपका पुरातात्विक उत्खनन के लिए थे। क्वेश्चन नंबर 62 है, निम्नलिखित युग्मों में विचार कीजिए, स्थल है और जिसके लिए जाना जाता है वो बताना है। बेसनगर, शैव गुफा मंदिर और भाजा, तो ये बौद्ध गुफा मंदिर दिया है, सित्तन वासल जैन गुफा मंदिर। बताना है उपयुक्त में से कितने युग्म सुमेलित हैं। तो ये हो जाएगा, इसमें केवल दो युग्म सुमेलित है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में घोषित किया गया है, और दूसरा है 1905 में इस नदी स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। तो ये हो जाएगा पहला कथन, कि पहला सही है, दूसरा दोनों सही है और सही व्याख्या भी कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 64। भारत की ध्वज संहिता 2002 के अनुसार भारत के राष्ट्रीय ध्वज के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का एक मानक आमाप 600 मीटर मीटर इंटू 400 मिलीमीटर है। तो और दूसरा है, ध्वज की लंबाई से ऊंचाई चौड़ाई अनुपात 3:2 होगा। बताना है कौन सा युग्म सुमेलित है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन डी है, कथन एक सही है, लेकिन कथन दो, पहला कथन गलत है, दूसरा कथन सही है। देखिए जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे झंडा का 3:2 है ना, तो ये सही है। एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 65 है, संविधान दिवस के बारे में निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, नागरिकों के बीच संवैधानिक मूल्यों को संवर्धित करने के लिए संविधान दिवस प्रतिवर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है। और दूसरा कथन है, 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में एक प्रारूपण समिति बनाई थी। उपयुक्त कथन में से कौन सा कथन सही है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, पहला कथन सही है और दूसरा कथन गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, स्विट्जरलैंड मूल्य के आधार पर स्वर्ण के अग्रणी निर्यातकों में से एक है। और दूसरा है, स्विट्जरलैंड के पास विश्व का दूसरा विशालतम स्वर्ण निचय रिजर्व है। तो बताना है इसमें से कौन सा कथन सही होगा। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी,
पहला कथन सही है और दूसरा कथन गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67। निम्नलिखित पर कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए और यूरोपीय संघ ईयू ने व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद प्रारंभ की। दूसरा है, यूएसए और यूरोपीय संघ यह दावा करते हैं कि वे इसके माध्यम से तकनीकी प्रगति और भौतिक उत्पादकता को अपने नियंत्रण में लाने का प्रयास कर रहे हैं। इनमें से कौन सा कथन सही है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पहला कथन गलत सही है और दूसरा कथन गलत है। 68 नंबर क्वेश्चन है, कथन पहला कथन है, वस्तुओं के वैश्विक निर्यात में भारत का निर्यात 3.2% है और दूसरा है, भारत में कार्यरत अनेक स्थानीय कंपनियों एवं भारत में कार्यरत कुछ विदेशी कंपनियों ने भारत की उत्पादन आधारित प्रोत्साहन प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव योजना का लाभ उठाया। तो इनमें से कौन सा कथन सही है? तो इसमें देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पहला कथन गलत है और दूसरा कथन सही है। ठीक है, ये कथन जो 3.2 का है ये गलत है और पहला दूसरा सही है। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यूरोपीय संघ का स्थिरता एवं समृद्धि समझौता स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ पैक्ट ऐसी संधि है जो पहला कथन है, यूरोपीय संघ के देशों के बजटीय घाटे के स्तर को सीमित करती है और दूसरा है, यूरोपीय संघ के देशों के लिए अपनी आधारित संरचना सुविधाओं को आपस में बांटकर सुकर बनाती है और तीसरा है, यूरोपीय संघ के देशों के लिए अपनी प्रौद्योगिकियों को आपस में बांटना सुकर बनाती है। तो कौन सा कथन सही होगा इसमें से? तो ये हो गया पहला, यानी कि केवल एक कथन सही है। ठीक है, इसमें से दोनों कथन गलत है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के सभी देशों ने अंतरराष्ट्रीय प्रवास के लिए अभी तक की पहली संविदा सुरक्षित व्यवस्थित और नियमित प्रवास के लिए वैश्विक संविदा ग्लोबल कॉम्पैक्ट फॉर सेल्फ एंड ऑर्डिनरी ऑर्डरली एंड रेगुलर माइग्रेशन यानी GCM अपनाई है और दूसरा कथन है, GSM अधिकथित उद्देश्य और प्रतिबद्धताएं यूएन सदस्य देशों पर बाध्यकार है और तीसरा कथन है, GSM अपने उद्देश्यों और प्रतिबद्धताओं के अंतर्गत आंतरिक प्रवास या आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों के लिए भी कार्य करती है। तो फिर में से कितने कथन सही हैं? तो ये हो जाएगा, इसमें भी केवल एक कथन सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, केवल एक कथन सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 71 देखेंगे। 71 में है, निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। बुल्गारिया, चेक रिपब्लिक, हंगरी, लातविया, लिथुआनिया, रोमानिया यूक्रेन से कितने सीमाएं साझा करती हैं? तो देखिए इसमें से यूक्रेन में तो केवल हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केवल 3। ठीक है, सॉरी केवल 2 होगा इसमें, ऑप्शन ए होगा केवल 2। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 72 है, पृथ्वी के वायुमंडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा सही है? तो पहला है, भूमध्य रेखा पर प्राप्त होने वाले सूर्य ताप की कुल मात्रा ध्रुवों पर प्राप्त होने वाले सूर्य ताप की कुल मात्रा की लगभग 10 गुनी है और दूसरा है, अवरक्त किरणें सूर्य ताप के लगभग 2/3 भाग है और तीसरा है, अवरक्त तरंगे निचले वायुमंडल में संकेंद्रित जलवाष्प द्वारा बृहत रूप से अवशोषित होती है और चौथा है, अवरक्त तरंगे और अवरक्त तरंगे सौर विकिरण की विद्युत चुंबकीय तरंगों के दृश्यमान स्पेक्ट्रम के भाग हैं। तो बताना है कौन सा कथन इसमें सही होगा? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अवरक्त तरंगे विकिरण की जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के दृश्यमान स्पेक्ट्रम के भाग है। किसके? तो ये पृथ्वी के वायुमंडल के संदर्भ में बात हो रहा था। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, 73 में है, कथन कारण क्वेश्चन है। तो कथन है, उच्च कटिबंधीय वर्षा वनों की मृदा पोषक तत्वों से भरपूर होती है और दूसरा है, उच्च कटिबंधीय वर्षा वनों के उच्च ताप और आर्द्रता के कारण मृदा में विद्यमान मृत जैव पदार्थ का द्रुत अपघटन होता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पहला कथन गलत है और दूसरा कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 74 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ग्रीष्म ऋतु में महाद्वीपों और महासागरों के बीच तापमान वीप यार्स शीत ऋतु की अपेक्षा अधिक होता है और दूसरा है, जल की विशिष्ट ऊष्मा भूपृष्ठ के विशिष्ट ऊष्मा की अपेक्षा अधिक होती है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही होगा? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पहला कथन सही है, दूसरा कथन गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए गए हैं, बताना है कौन सा सही है। तो पहला कथन है, भूकंप लेखी यानी कि सिस्मोग्राफ में एस तरंगों से पूर्व पी तरंगे अभिलिखित की जाती हैं
और दूसरा है पी तरंगों में अलग अलग कर्ण तरंग प्रसार की दिशा में आगे पीछे कंपन करते हैं, जबकि यश तरंगों में कर्ण तरंग प्रसार की दिशा के समकोणीय ऊपर नीचे कंपन होते हैं। कौन से कथन सही होगी इसमें? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दोनों कथन सही है। नेक्स्ट है, भारत में कोयला आधारित तापीय शक्ति संयंत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है उनमें से किसी में भी समुद्र जल का उपयोग नहीं होता, और दूसरा है उनमें से कोई भी जल संकट वाले जिले में स्थापित नहीं है, तीसरा है उनमें से कोई भी निजी स्वामित्व में नहीं है। कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कोई नहीं सही है। क्वेश्चन नंबर 77 है, बोला वोल बैचिया पद्धति का कभी कभी निम्नलिखित में से किस संदर्भ में उल्लेख होता है? तो मच्छरों से होने वाले विषाणु रोगों के प्रसार को नियंत्रित करता है, या शेष सस्य क्राप रिड्यूस से संवेष्टन सामग्री पैकिंग मटेरियल बनाना, या तीसरा है जैव निम्नीकरण प्लास्टिकों का उत्पादन करना, या चौथा है जैव मात्रा के उष्म रासायनिक रूपांतरण से बायोचार का उत्पादन करना। तो 77 नंबर क्वेश्चन आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मच्छरों से होने वाले विषाणु रोगों के प्रसार को नियंत्रित करना। क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित गतिविधियों पर विचार कीजिए। बड़े पैमाने पर बारीक पीसी हुई बेसाल्ट सैल खेतों में बिछाना, और दूसरा है चूना मिलाकर महासागरों की क्षारीयता बढ़ाना, और तीसरा है विभिन्न उद्योगों द्वारा निर्मुक्त कार्बन डाइऑक्साइड का अधिग्रहण कर उसे कार्बोनेट जल के रूप में परित्यक्त भूमिगत खानों के अंदर पंप करना। तो उपयुक्त गतिविधियों में से कितनी कार्बन अभिग्रहण और विव्यक्ति भवन सिक्विस्ट्रेशन के लिए प्राय विचल और चर्चा में लाई जाती है? कौन सा सही होगा इसमें? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, तीनों कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 79 है, एरियल मोटा जीनोमिक्स निम्नलिखित में से किस एक स्थिति को सबसे सही निर्दिष्ट करता है? किसी पर्यावास में वायु से डीएनए प्रतिदर्श को एक बार में एकत्र करना, या दूसरा है किसी पर्यावास को पक्षी जातियों के अनुवांशिक रचना को समझना, या तीसरा है गतिशील प्राणियों से रुधिर प्रतिदर्श लेने के लिए वायुवाहित युक्तियों का प्रयोग करना, या चौथा है भूमितल और जल निकायों से पादप एवं कटा हुआ है प्रतिदर्श एकत्र करने के लिए अगम्य क्षेत्रों में ड्रोन भेजना। कौन सा इसमें सही होगा? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर एक, किसी पर्यावास में वायु से डीएनए प्रतिदर्श को एक बार में एकत्र करना, ये किस लिए है? तो ये एरियल मेटाजेनोमिक्स के लिए था। क्वेश्चन नंबर 80, माइक्रोसैटेलाइट डीएनए निम्नलिखित में से किस एक मामले में प्रयोग किया जाता है? किसमें किया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका, यह प्राणी जात के विभिन्न जातियों के बीच विकास परक संबंधों का अध्ययन करने के लिए। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81 है, जननी सुरक्षा योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसमें चार कथन दिए गए हैं। पहला कथन है ये राज्यों के स्वास्थ्य विभागों की एक सुरक्षित मातृत्व की योजना है। दूसरा है इसका उद्देश्य गरीब गर्भवती महिलाओं के मातृत्व तथा नवजात शिशु मृत्यु दर में कमी लाना है, और तीसरा है इसका लक्ष्य गरीब गर्भवती महिलाओं के लिए स्वास्थ्य केंद्रों में प्रसव को बढ़ावा देना है, और चौथा है इसके उद्देश्यों में एक वर्ष की आयु तक के बीमार बच्चों को लोक स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना शामिल है। उपित में से कितने कथन सही हैं? तो ये जगह इसमें केवल दो कथन सही है, ऑप्शन बी हो जाएगा, केवल दो। 82 नंबर क्वेश्चन है, एमिनिया मुक्त भारत रणनीति के अंतर्गत की जा रही व्यवस्थाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें चार कथन है। पहला है इसमें स्कूल जाने के पूर्व के प्री स्कूल बच्चों किशोरों और गर्भवती महिलाओं के लिए रोग निरोधक कैल्शियम पूरकता प्रदान की जाती है। दूसरा है इसमें शिशु जन्म के समय देरी से रज्जू बंद करने के लिए अभियान चलाया जाता है, और तीसरा है इसमें बच्चों और किशोरों की निर्धारित अवधियों पर कृमि मुक्ति की जाती है, और चौथा है इसमें मलेरिया हीमोग्लोबिन पैथी और फ्लूओरोसिस पर विशेष ध्यान देने के साथ स्थानीय बस्तियों में एमिनिया के गैर पोषण कारणों की ओर ध्यान दिलाना शामिल है। तो कितने सही है इसमें? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सभी चार कथन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑटोमोबाइल और एयरक्राफ्ट में प्रयुक्त होने वाले अवयवों के विनिर्माण में कार्बन तंतुओं का इस्तेमाल होता है, और दूसरा है कार्बन तंतु एक बार प्रयुक्त होने पर पुनर्चक्रित नहीं किए जा सकते हैं। तो इसमें से कौन सा कथन सही है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर एक, केवल एक कथन सही है, दूसरा कथन गलत है। क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित क्रियाओं पर विचार कीजिए। कार क्रैश टक्कर का जिससे एयरबैग लगभग तुरंत फैल जाते हैं पता लगाना, और दूसरा है लैपटॉप अचानक धरातल पर गिर पड़ने का जिससे हार्ड ड्राइव तुरंत बंद हो जाता है पता लगाना,
और तीसरा स्मार्टफोन के झुकाव का, जिसमें जिससे पोर्ट्रेट और लैंडस्केप मोड के बीच प्रदर्शन डिस्प्ले जूम जाता है, पता लगाना है। तो इसमें बताना है कि उपयोग में से कितनी क्रियाओं में त्वरण मापी यानी कि एक्सेलेरोमीटर के प्रकार की आवश्यकता है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सभी सभी तीनों में होते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 85 है, पुनर्संचरणशील एक्वा कल्चर प्रणाली में जैव निषेधकों यानी कि बायो फिल्टर की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैव निषेधक यानी कि बायो फिल्टर बिना खाए हुए मत्स्य चारे को हटाकर अपशिष्ट उपचार प्रदान करते हैं। और फिर दूसरा कथन है, बायो फिल्टर मत्स्य अपशिष्ट में विद्यमान अमोनिया को नाइट्रेट में बदल देते हैं। और तीसरा है, बायो फिल्टर जल में मत्स्य के लिए पोषक तत्व के रूप में फास्फोरस को बढ़ाते हैं। तो कितने कथन सही है इसमें से? तो यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, केवल दो कथन सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, अंतरिक्ष में पिंड और वर्णन। सेफिड, सेफिड जो है अंतरिक्ष में धूल और गैस के विशाल बादल। और दूसरा है निहारिका, जो तारे जो आवर्ती रूप से जलते बुझते हैं। और तीसरा है पल्सर, जो न्यूट्रॉन तारे जो तब बनते हैं जब विशाल तारों का ईंधन खत्म हो जाता है और उनका निपात हो जाता है। उपित में से कितने कथन सुमेलित हैं? तो ये हो जाएगा आपका पहला ऑप्शन नंबर ए, केवल एक कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित देशों में से किस एक के पास अपने उपग्रह यानी कि मार्ग निर्देशन नेविगेशन प्रणाली है, किसके पास है? तो ये हो जाएगा आपका जापान के पास। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, बैलिस्टिक मिसाइल अपनी पूरी उड़ान में अवध्वनिक चाल पर प्रहार निर्धारित होती है, और जबकि क्रूज मिसाइल केवल उड़ान के आरंभिक चरण में रॉकेट संचालित होती है। दूसरा है अग्नि 5 माध्यम दूरी की पराध्वनिक क्रूज मिसाइल है, जबकि ब्रह्मोस ठोस ईंधन प्रचलित अंतर महाद्वीपी बैलिस्टिक मिसाइल है। तो इनमें से कौन सा कथन सही होगा? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, वो दोनों कथन गलत है, ठीक है, न तो पहला न तो दूसरा, दोनों कथन गलत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 89 में है, पारा प्रदूषण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, किसके बारे में? तो पारा प्रदूषण, स्वर्ण खनन गतिविधि विश्व में पारा प्रदूषण का मुख्य स्रोत, पारा प्रदूषण का स्रोत है। और दूसरा है, कोयला आधारित उष्मीय शक्ति संयंत्र थर्मल पावर प्लांट से पारा प्रदूषण होता है। और तीसरा है, पारा के संपर्क में आने का कोई ज्ञात सुरक्षा स्तर नहीं है। कौन सा कथन सही, कितने सही हैं? तो ये हो जाएगा इसमें सभी तीनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 19, हरित हाइड्रोजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसे आंतरिक दहन के लिए ईंधन के रूप में सीधे इस्तेमाल किया जा सकता है। और दूसरा है, इसे प्राकृतिक गैस के साथ मिलाकर ताप या शक्ति जनन के लिए ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। और तीसरा है, इसे वाहन चालन के लिए हाइड्रोजन ईंधन प्रकोष्ठ में इस्तेमाल किया जा सकता है। कितने कथन सही हैं? तो ये हो जाएंगे आपके केवल एक कथन सही, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। उसके बाद 91, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, पहला कथन है सूक्ष्म लघु यानी कि एमएसएमई के बारे में करा है, एमएसएमई MSMED यानी कि डेवलपमेंट अधिनियम 2006 के अनुसार जिनके संयंत्र और मशीनरी में निवेश 15 करोड़ रुपए से लेकर 25 करोड़ रुपए बीच में है, वे मध्यम उद्यम है। दूसरा है, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को दिए गए सूक्ष्म बैंक सभी बैंक ऋण प्राथमिकता क्षेत्र के अधीन अहर है। कितने, कौन सा सही है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, केवल दो कथन सही है, पहला कथन गलत है। क्वेश्चन नंबर 92, केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्राओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यूएस डॉलर या SWIFT प्रणाली का प्रयोग किए बिना डिजिटल मुद्रा में भुगतान करना संभव है। दूसरा है, कोई डिजिटल मुद्रा इसके अंदर प्रोग्रामिंग प्रतिबंध जैसे कि इसके व्यय के समय ढांचे साथ वितरित किया सकती है। कौन सा कथन सही है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दोनों कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 93, वित्त के संदर्भ में शब्द बीटा किसे निर्दिष्ट करता है? तो पहला है, अलग अलग प्लेटफॉर्मों से साथ साथ किसी परिसंपत्ति को खरीदने और बेचने की प्रक्रिया। और दूसरा है, किसी पोर्टफोलियो प्रबंधक की जोखिम। पोर्टफोलियो प्रबंधक की जोखिम और प्रतिफल के बीच संतुलन लाने की निवेश कार्य नीति। और तीसरा, एक प्रकार का व्यवस्थागत जोखिम जो वहां उत्पन्न होता है जहां पूर्ण प्रतिरक्षा संभव नहीं है। और चौथा है, एक संख्यात्मक मान जो पूरे स्टॉक बाजार में होने वाले परिवर्तनों के प्रति किसी स्टॉक के विचलनों को मापता है।
कौन सा कथन सही होगा इसमें? तो इसमें है ऑप्शन डी सही है, एक संख्यात्मक मान जो पूरे स्टॉक बाजार में होने वाले परिवर्तनों के प्रति किसी स्टॉक के प्रचलनों को मापता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 94, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्वयं सहायता समूह यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप कार्यक्रम मूलतः भारतीय स्टेट बैंक द्वारा वित्तीय रूप से वंचितों को लघु ऋण प्रदान कर प्रारंभ किया गया था, और दूसरा है किसी एच जी में समूह के सभी सदस्य उस ऋण के लिए उत्तरदायित्व तो लेते हैं जो ऋण कोई अकेला सदस्य हो लेता है, तीसरा है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक एस एच जी को समर्थन देते हैं, तो कौन सा कितने सही है इसमें? तो ये हो जाएगा आपका केवल दो कथन सही, ऑप्शन नंबर बी। एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 95 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है भारत की सार्वजनिक क्षेत्र स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली सीमित निरोधक वर्धक और पुनर्स्थापक देखभाल के साथ मुख्यतः रोग नाशक व्यवस्था पर ध्यान केंद्रित करती है, और दूसरा कथन है भारत के स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के विकेंद्रित उपागम के अंतर्गत राज्य प्राथमिक रूप से स्वास्थ्य सेवाओं को जुटाने के लिए उत्तरदायी है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। पहला कथन पहला और दूसरा दोनों सही है तथा सही व्याख्या नहीं कर रहा है। लेकिन फिर नेक्स्ट 96 नंबर क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ की विश्व जल विकास रिपोर्ट 2022 का ही है के अनुसार भारत प्रतिवर्ष विश्व के भौम जल एक चौथाई से अधिक जल का निष्कर्षण करता है, और दूसरा है भारत को अपने राज्य क्षेत्र में रहने वाली विश्व लगभग 18% जनसंख्या के पेयजल स्वच्छ आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रतिवर्ष विश्व भौम जल की एक चौथाई से अधिक जल निष्कर्षण की जरूरत है। तो ये हो जाएगा आपका पहला कथन सही है, दूसरा भी सही है, लेकिन सही व्याख्या नहीं कर रहा है। 97 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है भारत के संविधान के अनुसार केंद्र सरकार यह एक दायित्व है कि वह राज्यों को आंतरिक विक्षेपों से बचाए, और दूसरा है भारत का संविधान राज्यों को निवारक निरोध रखे जा रहे किसी व्यक्ति को विधि काउंसिल उपलब्ध कराने से छूट प्रदान करता है, और तीसरा है आतंकवाद निवारण अधिनियम 2002 के अनुसार पुलिस के समक्ष अभियुक्त स्वीकृति साक्ष्य के रूप में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। उपयुक्त में से कितने सही हैं? तो ये हो जाएगा आपका केवल एक कथन सही, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर 98 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक देश दशकों से गृह कलह और खाद्य संकट से त्रस्त है तथा हाल ही के पिछले दिनों में अति गंभीर दुर्भिक्ष के लिए समाचारों में था, कौन सा वो देश है? तो ये भैया सोमालिया, यहाँ बहुत डाकुओं का डेरा है, लूट लेते हैं, समुद्री डाकू सब है। क्वेश्चन नंबर 99, यहाँ पे देखेंगे कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में जैव विविधता प्रबंधन समितियां नगोया प्रोटोकॉल के उद्देश्यों को हासिल करने के लिए प्रमुख कुंजी है, और दूसरा है जैव विविधता प्रबंधन समितियों के अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत जैविक संसाधनों तक पहुंच के लिए संग्रह शुल्क लगाने की शक्ति सहित पहुंच और लाभ सहभागिता निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण प्रकार है, कौन सा कथन सही है? तो यह हो जाएगा आपका इसमें दोनों कथन सही, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 100 है, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है संसद के दोनों में से किसी भी सदन या राज्यों की विधानसभाओं में नाम निर्दिष्ट किए गए सदस्य निर्वाचक मंडल में शामिल किए जाने के लिए भी अहर है। दूसरा है निर्वाच्य विधानसभा सीटें जितनी अधिक होती हैं उस राज्य के प्रत्येक एमएलए के वोट का मान भी उतना ही अधिक होता है। तीसरा है मध्य प्रदेश के प्रत्येक एमएलए के वोट का मान केरल के एमएलए के वोट के मान से अधिक है, और चौथा है पुदुचेरी के प्रत्येक एमएलए के वोट का मान अरुणाचल प्रदेश के प्रत्येक एमएलए के वोट के मान से अधिक है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश की तुलना में पुदुचेरी कुल जनसंख्या के निर्वाचित सीटों के कुल संख्या से अनुपात अधिक है। अब बताना इसमें से कितने युग्म सम्मिलित है? तो ये हो जाएगा इसमें केवल एक सही है, बाकी सभी गलत है। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार ये 100 क्वेश्चन हुए 50 एक में 50 एक में। चलिए हम लोग फिर मिलते हैं किसी ऐसे वीडियो के। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।